अरे अभी मेरे काकू का फोन आया था, मेरे काका सीढ़ियों से फिसल के गिर गए, तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा अभी। तो तू फिक्र मत कर, तू एक काम कर, तू काका को लेके हॉस्पिटल जा, तेरा स्कूटर का नंबर मैं लेके आता हूँ। तुम अभी तक यहीं हो, ये फाइल ठीक करके कब दोगे तुम मुझे? आवाज नीचे रख के बात करो, आप इस तरह सबके सामने मुझे कैसे डांट सकते हो? मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी और ये आपके खिलाफ न्यूज रिपोर्ट लिखेंगे। सीमा, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सबके सामने डांटे। मैंने कहाँ डांटा, अब रोज हम इसी तरीके से तो बात करते हैं। अब से इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। आत्मराम माधवी, या यस काकू। हाय सर, आओ काका। काका, अरे काका ऐसे कैसे फिसल गए सीढ़ियों से? हाँ, उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, ठीक है ना वो? अरे अरे बैठो तो सही। बैठना छोड़ो काकू। अच्छा यहाँ पे मैंने इंक्वायरी की है, भगवती हॉस्पिटल नजदीक ही है, हम लोग काका को वहीं लेके जाएंगे। कहाँ है कहाँ काका? काकू हंस क्यों रही हो? अरे हंसेगी नहीं तो क्या? काका तुम्हें उबे का बसा बसा लागे। अरे 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 मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरा हूँ, एकदम ठंडी थे। ये तो उड़ा मारता है। नंदू मैं शर्त जीत गया, लाओ शर्त के 100 रुपए लाओ, लाओ लाओ जल्दी। एक मिनट काका, काय चाल का है, 100 रुपये शर्त का है? अरे तैसे काय आत्माराम, तेरे काकू और मेरे बीच शर्त लगी थी। मैंने उससे कहा मैं जब भी आत्माराम को बुलाऊंगा वो यूं चलाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं, वो हमें भूल गया, इधर आएगा ही नहीं, और देखो तुम आ गए और मैं शर्त जीत गया। काका अगर ऐसे फोन करोगे तो कोई भी आएगा ना दौड़ के। और हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी। माँ चलो उसी बहाने से आए तो सही ना, चलो बैठो। नहीं नहीं वो ठीक है काकू, लेकिन मुझे आज अर्जेंट काम था, मेरे नए स्कूटर का नंबर देने जाना था डीलर के पास, आज ही मुहूर्त था, अभी अगले एक हफ्ते तक मुहूर्त नहीं है। अरे बाप रे, मत जा 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 आओ जेठा भाई आओ। हो गया क्या? नंबर मिला है, देखो देखो। ये क्या है भरत भाई, ये कैसा नंबर है? देखिए पोपटलाल का गुस्सा बिचारा पीड़े के स्कूटर पे क्यों आप निकाल रहे? क्या मैं कुछ समझा नहीं? देखिए प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, सॉरी बोलो पोपटलाल, सॉरी बोल दो प्लीज। हाँ 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 सॉरी सॉरी भाई सॉरी। देखा देखा उसने सॉरी भी बोल दिया। अभी जो आरटीओ में से नंबर मिला वो लगवा दीजिए प्लीज। अरे जेठा भाई आरटीओ से यही नंबर मिला है। क्या ये नंबर मिला है? हाँ जेठालाल ये नंबर देख के भिड़े। वही तो, देखिए देखिए भरत भाई ये काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये नंबर बदलवा दीजिए, ये नंबर नहीं चलेगा, प्लीज बदलवा दीजिए नंबर। सॉरी जेठा भाई पर अभी ये नंबर नहीं बदल सकते हैं। अरे भरत भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे ये भिड़े भाई आदरणीय शिक्षक है, ये नंबर का स्कूटर चलाते हुए कैसे लगेंगे? जेठा भाई मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार सारा पेपर वर्क हो गया, आरटीओ में नंबर रजिस्टर हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है यही नंबर से चलाना होगा। सर एक मिनट में आता हूं। ये नंबर देखते ही भिड़े तो बेहोश हो जाएगा। अरे ये नंबर लेके भिड़े के पास कैसे जाओगे तुम? माधवी अभी तक जेठा का फोन नहीं आया, नंबर मिलने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? अरे आत्माराम चिंता कैसा लगा, तो नंबर मिल जाएगा। आप ही जेठा भाई को फोन करिए ना। हाँ मिस कर तो फोन। ये पीड़ा का फोन। अरे उठाना मत उठाना मत, वो पूछेगा कि क्या नंबर मिला है तो क्या जवाब दोगे तुम?
कमाल है, फोन काट दिया। स्कूटर चला रहे होंगे, पोपट बाबू जी को फोन कीजिए आप। हाँ हो सकता है। दोनों गए हैं ना साथ में। ये भीड़ अब मुझे फोन कर रहा है। उठा उठा उठा। जेठालाल। तो काट दे। नहीं नहीं बजने दो, भीड़ पूछेगा तो मैं बाद में उसे बोल दूंगा कि फोन साइलेंट पे था। हेलो। हाँ दया भाभी, भीड़ बोल रहा हूँ। हाँ भीड़ भाई, आपके चाचा जी का पैर अभी कैसा है? हाँ हाँ नहीं नहीं, वो उनका पैर अच्छा है, उन्होंने तो मजाक किया था। मजाक कर रहे थे? हाँ मतलब उनको कुछ नहीं हुआ है। बस चलो अच्छा है, चाचा जी हेमखेम है। अच्छा दया भाभी, जेठालाल और पोपटलाल स्कूटर लेके आ गए क्या सोसाइटी में? नहीं भीड़ भाई, अभी तक तो नहीं आया। अच्छा नहीं आया, जरा देखिए ना बाहर जाके बालकनी में, शायद सरप्राइज देने खड़े हो नीचे। हाँ वो भी है, एक मिनट चालू रखिए। हाँ हाँ वक्त है। हेलो भीड़ भाई, टप्पू के पापा अभी स्कूटर लेकर आए नहीं है। नहीं है? आपने ठीक से देखा आजू बाजू में कहीं? हाँ हाँ भीड़ भाई पक्का देखा। अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। काय? वो अभी तक सोसाइटी भी नहीं पहुंचे। क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये स्कूटर लेकर पोपटलाल को सोसाइटी भेज देता हूँ, वरना ये भीड़े नंबर को लेकर मेरी जान खा जाएगा। पोपटलाल तुम एक काम करो, तुम ये स्कूटर लेकर सोसाइटी पहुंचो, मुझे जरा दुकान में काम है। वाह 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 जेठालाल, मुझे बेवकूफ समझा? मैं सब समझता हूँ। सोसाइटी में अगर जाएंगे तो हम दोनों साथ में जाएंगे, बलि का बकरा मैं अकेला क्यों बनूं? दया का फोन, जरूर भीड़े ने दया को फोन किया होगा हमारे बारे में पूछने के लिए। नहीं नहीं बजने दो। अरे नहीं 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 दया भाभी को तुमसे कुछ काम होगा भाई, उठा उठा। हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, आप अभी कहाँ हो? हम लोग रास्ते में ही बस पहुंच रहे हैं। ओके क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, भीड़े ने दया को फोन किया था, वही पूछ रही थी दया कहाँ है आप लोग। सॉरी सॉरी। जेठालाल ये भीड़े फिर से फोन कर रहे हैं। एक काम कर, तू फोन उठा के उसको सीधा इतना बोल दे कि हम लोग रास्ते में बस पहुंच रहे हैं, उसे दूसरा कुछ पूछने का मौका ही मत दे। हेलो हेलो। अरे भाई पोपटलाल मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे दोनों, क्या वो नंबर मिला? हाँ हाँ नंबर मिल गया। क्या मिल गया? भाभी नंबर मिल गया? अरे वाह। हाँ हाँ क्या मिला क्या मिला? वो हेलो 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 हेलो, भीड़े सिग्नल नहीं मिल रहा है। अच्छा मैं शोरूम आ जाऊँ? शोरूम शोरूम। अरे नहीं 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 हम निकल चुके हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। हेलो अरे नंबर तो बता। काट दिया काट दिया। काय चलो माधवी नंबर तो मिल गया है, वो दोनों सोसाइटी पहुंचते ही होंगे, हम लोग मिठाई लेकर सोसाइटी पहुंचते। अभिनंदन आत्माराम। थैंक यू काका थैंक यू। अब तुम बताओ। अरे भाई कभी ना कभी तो सोसाइटी में जाना ही पड़ेगा ना। बेचारा भीड़े पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करके हाथ में मिठाई का डिब्बा लेके इन्हें खुशी खुशी खड़ा होगा, लेकिन जब स्कूटर का नंबर देखेगा। जेठालाल मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कब के निकले अभी तक नहीं आए। अरे भाई बेड़े, तुम्हारे जेठालाल और पोपटलाल से फोन पे बात हुई है? नहीं कहाँ पहुंचे वो लोग, अभी तक आ जाने चाहिए थे भाई। हाँ मेहता साहब मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि वो नंबर लेके निकल चुके, अब तक तो आ जाने चाहिए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। भीड़े भाई आपके स्कूटर का नया नंबर आ रहा है तो साथ में स्कूटर का नया नाम भी रखिए ना, मजा आएगा। स्कूटर का नाम? हाँ जैसे वो गोकुल धाम का रॉकेट, पवन चक्की या तो भीड़े भाई मस्त मस्तानी स्कूटर।
बापरे। वैसे भिड़े ये भी बात कमाल की हो गया, स्कूटर का नामकरण संस्कार। तुम हवा हवाई रख दो नाम, बढ़िया नाम है। मास्टर हवा हवाई। नहीं नहीं, सोनू की सवारी। मतलब नाम रखेंगे लेकिन पहले स्कूटर को तो आ जाने दो। स्कूटर फिर आराम से उसका नामकरण करेंगे। भले भले। और हाँ, मैंने आप सबको इतनी जल्दी बुला लिया, I'm sorry, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो किसी भी वक्त आ जाने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आए। अरे भीड़ भाई, आप कैसी बात करते हैं? जैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेयर सेक्रेटरी है ना, वैसे आपका स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर स्कूटर है। तो हम स्कूटर के नंबर का जोरदार स्वागत करेंगे, फिर घर जाएंगे। क्या हुआ, यहाँ क्यों रोका? अरे वो नंबर प्लेट के ऊपर वो रिबिन बराबर है कि नहीं, जरा चेक कर लेते हैं ना। हाँ करो करो। बराबर है, देख लो। नहीं नहीं, तुमने देखा तो बराबर ही होगा। चल भाई, स्कूटर लेके आ गए। अली, अरे 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 जेठिया, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे आ जाओ आ जाओ, राह देख रहे हो तुम? आ जाओ आ जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों पोपटलाल? अरे जेठालाल, कब से बेचारा वेट कर रहा है नंबर देखने के लिए, तो जल्दी तो होगी ना। शैतान का काम होता है जल्दबाजी। अरे बाबा, हाँ हाँ, अरे भाई भिड़े, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे स्कूटर का नंबर देखने की? ये सब गिफ्ट ला, ये भिड़े के लिए लाया ना आप लोग गिफ्ट? तो भाई पहले गिफ्ट ले ले। पोपटलाल, गिफ्ट में बाद में भी दे सकता हूँ, लेकिन पहले नंबर तो देख ले दो। अरे भाई, सब कितनी बड़ी बड़ी गिफ्ट लेके लेडी थे, देखिए बबीता जी तो ऐसे झुक गए, इतना वजनदार गिफ्ट लेके खड़े। तो पहले गिफ्ट ले ले तो क्या, सब लेडीज भी फ्री हो जाएंगे, तू भी फ्री हो जाएगा, फिर शांति से देख नंबर। भाई आप गिफ्ट ले लीजिए पहले। अरे थाम इकड़े बाबा, एक एक करके आएंगे ना इधर, सब देंगे तुमको गिफ्ट, बराबर के नहीं? आई अंजलि भाभी। थैंक यू अंजलि भाभी। अरे एक मिनट अंजलि भाभी, कहाँ जा रहे हैं आप? खोल भाई, खोल के देख तो सही क्या दिया है अंजलि भाभी ने। अच्छा, अरे वाह, ओहो, ग्लव्स, ग्लव्स दिए। ओ ग्लव्स है, बहुत अच्छा अंजलि, गुड चॉइस, गुड चॉइस, वेरी गुड। अरे वाह, क्या बात है, व्हाट अ नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। अरे अरे कोमल भाभी, थैंक यू, बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह कोमल भाभी, दो दो गिफ्ट्स हैं। अरे वाह, ये क्या है? स्क्रैच अगर आया उसे भगवान ना करे। अच्छा वो स्पंज है इसमें, राइट? हाँ, थैंक यू, ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू बबीता जी, ये क्या इतना बड़ा गिफ्ट, क्या प्रेशर कुकर है? क्या है, क्या इसमें? एक एक पकड़ के खा। ओहो हो हो, क्या बात है, हेलमेट वो भी येलो कलर का, वो मैचिंग है स्कूटर को। मैं सोच ही रहा था कि मैं दूसरा हेलमेट ले लूं माधवी के लिए, क्या परफेक्ट गिफ्ट दिया है बबीता जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू, वाह वाह बबीता जी, वाह बहुत बढ़िया, क्या सोच है आपकी, वाह वाह। आइए आइए मैम, आइए। अरे वाह, आप खोलिए। हां हां हां, इतना छोटा। ओहो हो, गणपति बाप्पा, क्या बात है, गणपति बाप्पा, क्या बात है,
भीड़ भाई, ये गणपति बापा स्कूटर की और स्कूटर पर बैठने वाले सबकी रक्षा करेंगे। ये गणपति बापा, ये भीड़े स्कूटर का नंबर देख ले, उसके बाद हमारी भी रक्षा करना। थैंक यू सो मच। आई रशियन डार्लिंग, लव यू यार। क्या है? पेंट पीस। ओहो, स्कूटर का कवर। अरे भाई, सब काम की चीजें मिल रही है स्कूटर के लिए बेड़े मास्टर को। लेडी समझदारी होती हैं। सही बात है। थैंक यू सबको, बहुत बहुत थैंक यू। हो गया, हो गया, अभी सबके हो गया गिफ्ट। जेठालाल गिफ्ट देखकर हो गए। मैं जाके एक मिनट मेरी बात। ए भाई पोपटलाल, क्या तुम खड़े खड़े देख रहे हो भाई? मदद करो। अच्छा, मदद चाहिए? बोलो बोलो भाई। तो ये सेट कर, मैं रख दो सब। लाओ, एक मिनट। अभी क्या बाकी है जेठालाल? आता कहाँ है? आता है, बगा है। गिफ्ट आपने ले लिया, बराबर है। तो अभी ये मिठाई तो सबको खिलाने के लिए लाया है ना? हाँ, तो सबको खिला दे, फ्री हो जाए, फिर शांति से देख नंबर। फ्री हो जाए, बराबर, ठीक। सही बात है बड़े मास्टर, पहले मिठाई खिला के फ्री हो जाओ। इधर से ही चालू कर। चलो शुरुआत तुम्ही से करता हूँ, ये लो। अरे भाई, मैं तो घर का हूँ भाई, सबको खिलाने। बार ठीक है, ओके। अभी हालत नहीं। लो, लो, लो। जेठालाल, अब तुम्हारी बारी। ये रहा तुम्हारा भाई। एक से मेरा कुछ नहीं होगा, फिर तो पूरा बॉक्स लेके जाऊंगा भाई। हाँ, एक से क्या होगा? बराबर बराबर। हाथी भाई, हम दोनों मिलके खाएंगे बाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है मिठाई। चलो जेठालाल, गिफ्ट हो गई, मिठाई भी हो गई। अभी नंबर देखते। एक मिनट। अरे जेठे आप डिब्बे, अरे क्या कब से भिंडी मास्टर की मस्ती कर रहे हो? अरे उसे नंबर देख ले तो। नहीं नहीं बापू जी, मस्ती नहीं कर रहे। देखिए, वो गिफ्ट का हो गया, मिठाई हो गई, लेकिन वो मेन चीज तो बाकी रह गई ना। क्या? ए हालो, तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। रुकिए रुकिए, बस बस बस, हो गया हो गया। कृपा, थैंक यू, थैंक यू। वाह 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 वाह। गरबा, स्कूटर का नंबर भिड़े न देख पाए, इसके लिए जेठालाल ने गरबा शुरू कर दिया। पर ऐसा क्या है इस नंबर में कि इस नंबर को न दिखाने के लिए जेठालाल और पोपटलाल बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नंबर खतरनाक है, अब इस नंबर को देख के भिड़े के होश उड़ जाएंगे, कहीं बेहोश ना हो जाए भिड़े। वैसे ह्यूमन टेंडेंसी, आप जिस चीज को छिपाते हैं, जिस चीज को नहीं दिखाते हैं, वो चीज देखने की इच्छा ज्यादा जागृत होती है। आपकी भी हो रही होगी, तो चलो ये नंबर मैं आपको दिखाई देता हूं।
नहीं 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 नहीं, अगर मैंने नंबर आपको दिखा दिया तो फिर ये जो रोमांच है वो समाप्त हो जाएगा, और इस रोमांच को बरकरार रखना तो बड़ा जरूरी है। लेकिन इतना तय है कि ये नंबर देखने के बाद यहाँ पे क्या होता है, वैसे एक बात बता दूं, जेठालाल और पोपटलाल जितने चाहे बहाने बना ले, नंबर दिखाना तो पड़ेगा ही, और जब नंबर दिखाया जाएगा तब क्या होगा, होगे बहुत सारे हंगामे और धमाल। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। मैं कैसे कर सकता हूँ उद्घाटन? अरे पोपटलाल क्यों नहीं कर सकते उद्घाटन, बिल्कुल कर सकते हो। अरे तुम तो स्कूटर का नंबर भी लेने गए थे, करो करो उद्घाटन करो। मेरे नसीब में अभी मेरे हाथों से ही स्कूटर का नंबर देखना लिखा तो वैसे ही सही। शाबाश, वाह वाह वाह, आदमी नंबर आला, नंबर आला। MH02AB